कविता मैंने ऑनलाइन एग्जाम पेपर देने के दौरान लिखी और मैं चाहता हूँ कि आप सबके सामने बताऊँ, सीनियर समय रेट कर पाएंगे। अगर एमबीए कर रहे हो, अगर एमबीए कर रहे हो तो ग्रामीण विकास करके दिखाना। हम बताने जा रहे हैं तुम्हारे सिलेबस की कुछ बातें, अगर समझ पाना तो जरा बताना। जैसे अंजेश सर की क्लास में सिर्फ एक्सेल पीपीटी में पढ़ के जाना, जो तुम्हें एनालिसिस का सिखाएगा, यानी कि एसपीएसएस जरूर सीख के जाना। भाई अर्चना मैम का रूरल इंटरवेंशन भी तो जरूरी है। सारे के सारे पीआरए एक्टिविटी विलेज विजिट पर जरूर अपनाना। और आगे हाँ, क्वेश्चनेयर भी भरना, हाउस होल्ड भी कवर करना, और पंत सर की स्पीड अगर पढ़ पाना तो बताना। अरे प्रॉपर ईमेल, मूवमेंटो, नोटिस सब भूले पड़े हैं। अगर हमने कविता मैम से दोबारा पूछे तो डंडे पड़ेंगे। प्यारे सीनियर, जाते जाते ये सब फॉर्मेट हमको सिखला जाना। और हाँ, अपने कुणाल सर बकायदा अटेंडेंस पे नंबर देते हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्लास में सो मत जाना। मेरा पूरा बैच मुझसे पूछता था, संदीप यारे रूलर सेटिंग जरा करवाना, ये सतेंद्र सर की पूरी क्लास समझ के जरा मुझे समझाना। और दो सेमेस्टर एक ही रिपोर्ट को बार बार लिख पाना, भार्गव सर के स्टैंडर्ड को मैच कर पाना, कहां पॉसिबल था। और हाँ, भट्ट सर की क्लास में मजा बहुत आता है। क्लास में बैठे बैठे फूल पत्तियां, नदी, झरना, पहाड़, रेगिस्तान सब देखने को मिल जाता है। इस इन्वायरमेंट के पेपर में नहीं घूम मत जाना। और हाँ, अरे ओबी की क्लास में ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन तो होता नहीं, लेकिन किसी से कुछ सिरा बतलाना और लिखना पढ़ना तो होता रहेगा। सेमेस्टर आगे पीछे चलता रहेगा, लेकिन रीवा मैन के सरकाजम और कंपनी पढ़ना होता रहेगा, सेमेस्टर आगे पीछे चलता रहेगा, लेकिन हमारी प्यारी रीवा मैन के सरकाजम और कॉम्प्लीमेंट की सड़क पर बढ़ाना।